शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य लोक सेवा चयन आयोग से चयनित 111 ANM और महिला स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि MLC डॉ. जयपाल सिंह वेस्त और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने कहा कि जन स्वास्थ्य को बेहतर करने की प्राथमिकता कार्य के दौरान रखनी होगी। मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज दिलाने में नव नियुक्त ANM कार्य करे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह ने ANM को नियुक्ति पत्र मिलने पर शुभकामनाएं देकर अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने की सीख दी। उन्होंने कहा कि मरीज बहुत उम्मीद लेकर अस्पताल आते हैं, उन्हें निराश होकर ना जाने दें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि रिक्त पदों पर परीक्षा के बाद नियुक्त हुई ANM से बहुत उम्मीद है, वो सभी के भरोसे पर खरे उतरकर इलाज करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। राष्ट्रीय महत्व के टीकाकरण कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने में ANM की भूमिका अहम है। संचालन कर रहे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव बेलवान ने ANM के कार्य बताकर चिकित्सा क्षेत्र को उत्कृष्ट बनाने के लिए कहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक रघुवीर सिंह ने बताया कि 111 ANM में से अधिकांश को नियुक्ति पत्र मिल गया है, जो किन्हीं कारणों से यहां उपस्थित नहीं हुई हैं, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह वेस्त ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार चिकित्सा सेवा को निरंतर बेहतर बनाकर समृद्ध करने में लगी है। जरूरत है कि चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं। ANM जिनको हम हेल्थ वर्कर कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग के लिए, घर घर स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए राज्य स्तर पर 7182 ANMs की नियुक्ति की गई है और नियुक्ति करने वाली आयोग का नाम है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। पूरे उत्तर प्रदेश में इन नियुक्तियों के सापेक्ष मुरादाबाद को 111 ANM हेल्थ वर्कर उपलब्ध हुई हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र यहाँ दिए गए हैं। यह नियुक्तियाँ पूरी तरह से पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं, बिना भेदभाव के हैं, कहीं पर किसी भी प्रकार का एक पैसा दिए बिना यह नियुक्तियाँ पूरी प्रामाणिकता और ईमानदारी से की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का नई भर्तियों में जो इस समय पर एक रिकॉर्ड चल रहा है ईमानदारी का, पारदर्शिता का, उसका ये द्योतक है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव, अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।